आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है एसएससी ने न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दी है। आप लोग देख सकते हैं एसएससी की वेबसाइट पे सबसे ऊपर नोटिफिकेशन है लॉन्च ऑफ न्यू वेबसाइट ऑफ कमीशन। तो जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो जो न्यू वेबसाइट लॉन्च की है इस पे सभी कैंडिडेट को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। जी हाँ, सभी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि आने वाले समय में एसएससी की वेबसाइट पे जो भी नोटिफिकेशन आती हैं, वैकेंसियां आती हैं, फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तैयारी करते हैं, तो सभी कैंडिडेट को यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ, फिर चाहे आप लोग एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, सभी को यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा न्यू वेबसाइट पे। जी हाँ, ओल्ड वेबसाइट पे जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो आप लोग का कैंसिल हो जाएगा। तो क्या है नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेक प्राइड ऑफ अनाउंस लॉन्च न्यू वेबसाइट। न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है, एक्साइटिंग वेबसाइट। जो वेबसाइट पहले थी उस पर भी आप लोग जो है पहुंच सकेंगे, लिंक आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन अब सभी को यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। जी हाँ, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, मीन्स न्यू रजिस्ट्रेशन करना है सभी कैंडिडेट को जो भी तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में एसएससी की वेबसाइट पे जो वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। आप सभी कैंडिडेट को यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। ओल्ड रजिस्ट्रेशन जो आप लोग की ओल्ड एसएससी की वेबसाइट पे है वो आप लोग का कैंसिल हो जाएगा। जी हाँ, वो आप लोग का कैंसिल हो जाएगा। जो फॉर्म वगैरह आप लोगों ने अप्लाई किए हुए हैं कोई टेंशन नहीं, वो आप लोग के चलते रहेंगे। ओल्ड वेबसाइट पे भी आप लोग जो है मीन्स लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। लेकिन अब आगे का जो प्रोसेस होने वाले, आगे जितने भी फॉर्म अप्लाई होंगे वो न्यू वेबसाइट से होने वाले हैं। तो न्यू वेबसाइट पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये ओल्ड वेबसाइट है ssc.nic.in, लेकिन अब जो है ये आप लोग की न्यू वेबसाइट है ssc.gov.in होम। ठीक है, तो ssc.gov.in यहाँ पे अब आप लोग को ओटीपी यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। किस प्रकार से आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। जी आप लोग देख सकते हैं लिंक मैं आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप लोग एसएससी की न्यू वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहां आप लोग को लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आप लोग देखेंगे यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा वगैरह मांगा गया। ये तब के लिए है जब आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा लॉगिन वगैरह करने के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लेकिन अभी आप लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो नीचे आप लोग को रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। जी हाँ, जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करते हैं इस प्रकार का पेज ओपन होगा। अब आप लोग को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, तो यहाँ पे आप लोग को पर्सनल डिटेल, पासवर्ड, एडिशनल डिटेल और डिक्लेरेशन वगैरह करना होगा। नीचे आप लोग को कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू पे आप लोग क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। पर्सनल डिटेल आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले देने, तो स्टार्ट करते हैं। डू यू हैव आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड है तो आप लोग यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। नो करेंगे तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे नहीं देना होगा, आप लोग को आगे की डिटेल देनी पड़ेगी, यानी कि टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, आपके पास कौन सा आईडी कार्ड है वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग उसका नंबर दे देंगे, लेकिन यदि आप लोग के पास आधार कार्ड है तो आप लोग को इसको फिल करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को ऊपर आना है। जी हाँ, डू यू हैव आधार कार्ड, यस कीजिए, यस कीजिए। यहाँ पे जो भी आपका आधार नंबर है आधार कार्ड नंबर दे देंगे और सेम टू सेम नंबर आप लोग यहाँ पे दे देंगे। तो दो बार आप लोग की एंट्री हो रही है, आधार कार्ड का नंबर देंगे। इसके बाद आप लोग को टाइप ऑफ आईडी नहीं देना होगा क्योंकि आप लोगों ने आधार कार्ड का नंबर दे दिया है। अब आप लोग को अपना नाम सेलेक्ट करना है, यानी कि जो भी आप लोग के टेंथ के सर्टिफिकेट में कैंडिडेट का नाम है जो रजिस्ट्रेशन कर रहा है अपने लिए, जी हाँ, उसको अपना नाम देना है यहाँ पे। तो नाम आप लोग डालेंगे, जो भी आप लोग का नाम है पूरा पूरा नाम आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। नाम के आगे किसी प्रकार का श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, प्रोफेसर ये सब चीजें नहीं लगाएंगे। नाम को वेरीफाई करना होगा, दोबारा से आप लोग जो है अपने नाम की एंट्री करेंगे। यदि कुछ मिस्टेक हो रही होगी तो रेड कलर से आप लोग को बता देगा, मिसमैच, आप लोग उसे करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग नाम की एंट्री करेंगे। इसके बाद डू यू हैव नाम चेंज नेम
चेंज नेम, आपने कभी नेम चेंज किया है तो यस करेंगे, यस करने के बाद क्या नाम चेंज किया है आप लोगों ने वो डालेंगे, फिर उसकी आप लोगों की दोबारा से वेरीफाई होगी। यदि नाम चेंज नहीं किया है नो कीजिए, आप लोग को एंट्री करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप लोग जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, वेरीफाई करना होगा, सभी एंट्रियां दो दो बार हो रही हैं तो यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे यानी कि दोबारा से उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है डेट ऑफ बर्थ की, तो डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप लोग की डेट ऑफ बर्थ है आप लोग यहाँ पे टाइप करते चले जाएंगे, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख के आ जाएगी, यहां से भी आप लोग सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, नीचे आप लोग को दोबारा से वही एंट्री करनी है सेम टू सेम, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बाद फादर नेम आप लोग को देना है, फादर नेम के आगे भी आप लोग किसी प्रकार का मिस्टर, श्री, लेट, प्रोफेसर, डॉक्टर वगैरह आप लोग नहीं लगाएंगे, नॉर्मल जो भी फादर नेम है आप लोग फादर नेम यहाँ पे लिख देंगे। सारा कुछ यहाँ पे टेंथ के सर्टिफिकेट के अनुसार ही होगा, ध्यान रखिएगा। फादर के नेम की एंट्री भी आप लोग की यहाँ पे दो बार होने वाली है, फादर के नेम की एंट्री आप लोग कर देंगे। इसके बाद मदर के नेम, तो मदर का नेम भी आप लोग को देना है, टेंथ के सर्टिफिकेट में है तो बिल्कुल उसी के अनुसार आप लोग के मदर का नेम होने वाला है। मदर के नेम के आगे भी आप लोग मिसेस, श्रीमती, लेट, डॉक्टर, प्रोफेसर वगैरह आप लोग नहीं लगाएंगे। मदर के नेम की एंट्री भी आप लोग की यहाँ पे दोबारा होने वाली है, यानी कि दो दो बार सभी एंट्री होंगी, कोई मिस्टेक होगी तो आप लोग को रेड कलर से शो कर देगा, आप लोग उसे शो कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। चलिए इसके अलावा टेंथ एजुकेशन बोर्ड, अब आप लोग को टेंथ एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। टेंथ आप लोगों ने कहाँ से करी है आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, किस बोर्ड से आप लोगों ने टेंथ करी है, पूरी पूरी डिटेल आप लोगों को दी गई है। जी हाँ, यदि नहीं है तो आप लोग यहाँ पे अदर पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो पूरी डिटेल है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जी हाँ, इसके बाद आप लोग को दोबारा से उसे वेरीफाई करना है, जो भी आप लोगों ने बोर्ड सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसको दोबारा से एंट्री होगी आप लोग की। इसके बाद रोल नंबर आप लोग को सेलेक्ट करना है, टेंथ का ही रोल नंबर आप लोग को सेलेक्ट करना है, जो भी है, ठीक है। रोल नंबर में आप लोग हैश और डैश वगैरह अलाउ है, लेकिन इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर आप लोग यूज नहीं करेंगे। चलिए रोल कोड यदि आप लोग का है आपके मार्कशीट पे, तो रोल कोड के साथ साथ आप लोग को जो है रोल नंबर देना होगा। चलिए ये चीजें होने के बाद आप लोग दोबारा से उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे, जी हाँ वेरीफाई करेंगे। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या थी आप लोग की टेंथ की, उसकी डिटेल आप लोग को यहाँ पे देनी है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वेरीफाई करेंगे, दोबारा से उसकी एंट्री आप लोग को करनी होगी, ध्यान रखिएगा कोई मिस्टेक आप लोगों से नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हाइएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि आप लोग की अब हाइएस्ट एजुकेशन क्या है, तो हाईएस्ट आप लोगों ने यहाँ पे इंटर कर रखी है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर टेंथ ही कर रखी है तो टेंथ सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कर रखा है आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उसकी एंट्री आप लोग को दोबारा से एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि दोबारा से आप लोग को सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद आप लोग को मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लोग वही डालेंगे जो कि आप लोग का चालू हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को ओटीपी सेंड किया जाएगा। जी हाँ, मोबाइल पे भी एक ओटीपी आएगा और मेल पे भी आप लोग का ओटीपी आएगा, उसे वेरीफाई करना होगा। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते ही सक्सेसफुली पर्सनल डिटेल सबमिट सक्सेसफुली, आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर और वन टाइम पासवर्ड मोबाइल पे, मेल पे आप लोग का गया होगा। मोबाइल और मेल आप लोग चेक कर सकते हैं, इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप लोग को यहाँ पे दिया गया होगा, तो इसे आप लोग क्रॉस कीजिए। क्रॉस करने के बाद आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग को दे दिया गया और आप लोग को बताया जा रहा है कि 14 दिन के अंदर अंदर आप लोग को अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है। अभी करना चाहते हैं अभी कर लीजिए, बाद में करना चाहते हैं बाद में कर लेंगे आप लोग लॉग इन करके। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, वन टाइम पासवर्ड आप लोग का मोबाइल नंबर और मेल दोनों पे गया है, बिल्कुल क्लियर, और कंटिन्यू करते हुए आप लोग जो आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप लोग का जो है इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आया है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग यहाँ पे डाल देंगे और जो आप लोग का वन टाइम पासवर्ड आया हुआ है वो पासवर्ड आप लोग डाल देंगे। मोबाइल पे देखिए, मेल पे देखिए, कहीं ना कहीं आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा जो कैप्चा आप लोग को दिया गया है सेम टू सेम कैप्चा आप लोग यहाँ पे उतार देंगे। स्मॉल में लिखा हुआ स्मॉल में, कैपिटल में लिखा हुआ है आप लोग जो है कैपिटल में उतार देंगे। चलिए ये करने के बाद आप लोगों को साइन इन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन जाएगा। आपको न्यू पासवर्ड बनाना है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोग को यहाँ पे दे दिया गया है, ओल्ड जो भी पासवर्ड था वो पासवर्ड आप लोग डाल देंगे, वन टाइम पासवर्ड जो आप लोग को मैसेज आया था। इसके बाद आप लोग को न्यू पासवर्ड बनाना है। न्यू पासवर्ड आप लोग किस प्रकार से होना चाहिए इसकी जानकारी आप लोग को दी जा रही है। जी हाँ, इसी न्यू पासवर्ड से आप लोग आने वाले समय में लॉग इन करेंगे, फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं और पासवर्ड को आप लोग नोट करके रख लेंगे। 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। कुछ इस प्रकार का आप लोग पासवर्ड बना सकते हैं। अल्फाबेट में आप लोगों का कैपिटल, स्मॉल लेटर, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर आप लोग का होगा। ठीक है, तो ये चीजें इस प्रकार से आप लोग पासवर्ड को बनाएंगे। पासवर्ड को बना के आप लोग इसकी यहाँ पे एंट्री कर देंगे। जी हाँ, इसके बाद आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को उसी पासवर्ड को दोबारा से डाल करके यहाँ पे कन्फर्म कर लेना है और इसके बाद अब आप लोग को नीचे आ जाना है। पासवर्ड आप लोग नोट करके रख लेंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। जी हाँ, सिक्योरिटी क्वेश्चन आप लोग नोट करके रख लेंगे अपने पास।
यदि कभी आप लोग पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो आप लोग को यहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा आप लोग पासवर्ड को प्राप्त करने में। चलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोग अपने सिटी इन योर बॉर्न, मदर, मिडिल नेम या फिर फेवरेट मूवी वगैरह जो भी आप लोग याद करके रख सकें वो आप लोग जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को उसका आंसर देना पड़ेगा। जी हाँ, इसे नोट करके रख लेंगे, ये आप लोग का आगे काम आएगा यदि आप लोग पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं। चलिए इसके अलावा आप लोग को सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन भी इसी प्रकार से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे उसका आंसर आप लोग दे देंगे, जैसे कि व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, ठीक है, मूवी का नाम आप लोग लिख लेंगे जो भी आपका फेवरेट है। इसके बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोग को इस प्रकार का पॉप आ जाएगा, पासवर्ड सेव सक्सेसफुली, क्रिएट सक्सेस। आप लोग का इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप लोग को लॉगिन करना है, जो भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर था रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जो पासवर्ड आप लोगों ने अभी बनाया है वो पासवर्ड डालेंगे, जो ये कैप्चा दिया गया सेम टू सेम कैप्चा आप लोग उतार देंगे, नंबर में, अल्फाबेट में, ठीक है, कैपिटल इस्तेमाल जो भी दिया आप लोग डाल करके यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार का पेज ओपन जाएगा, यहाँ पे आप लोग को एडिशनल डिटेल देनी है, कैटेगरी आप लोग की क्या है, एससी एसटी ओबीसी जिससे भी आते हैं आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी को आप लोग को दोबारा से एंट्री करनी पड़ेगी, वेरीफाई करना होगा। जी हाँ, नेशनलिटी आप लोग की क्या है, नेशनलिटी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया, जी हाँ, सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोग सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर अदर नेशन से नहीं है, आप लोग को ये सेलेक्ट नहीं करना होगा। इसके अलावा विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप लोग को यहाँ पे देनी होगी, आपके शरीर पे कहीं पे भी कट मार्क वगैरह है, जले का कटे का कोई भी निशान है आप लोग दे देंगे, ना मार्क्स नहीं है तो आप लोग नो मार्क भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए इस प्रकार से आप लोग को विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की डिटेल देनी है और यदि आप लोग बेंच मार्क डिसेबिलिटी है तो आप लोग यस सेलेक्ट करेंगे। यस सेलेक्ट करने के बाद किस प्रकार की आप लोग की डिसेबिलिटी है, ओएच, एचएच, अदर या वीएच, जो भी आप लोग सेलेक्ट करेंगे, यदि नहीं है तो आप लोग यहाँ पे नो कीजिए, कोई डिटेल आप लोग को नहीं देनी होगी। इसके बाद आप लोग को नीचे आना है, यदि विजिबिलिटी है तो आप लोग को यहाँ पे डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट का नंबर भी आप लोग को देना पड़ेगा। चलिए इसके बाद नीचे आना है आप लोग को, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस यानी कि आप लोग जहाँ के मूल निवासी हैं, परमानेंट है आप लोग को एड्रेस, वो एड्रेस आप लोग देंगे, जो भी मकान नंबर वगैरह है, ठीक है, पूरा पूरा डिटेल आप लोग दे देंगे। इसके बाद जो सेलेक्ट है वो एड्रेस मीन्स स्टेट है आप लोग का, स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और पिन कोड आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आता है आप लोग का प्रेजेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जहां पे आप लोग अभी रह रहे हैं, यदि वो परमानेंट से अलग है, इस प्रेजेंट एड्रेस सेम, यदि सेम है तो आप लोग यस कर देंगे, यस करते ही आप लोग का पूरा भर जाएगा, और यदि अलग है, प्रेजेंट एड्रेस आप लोग का अभी अलग है, कहीं और आप लोग रह रहे हैं तो आप लोग नो पे रहने देंगे और एड्रेस आप लोग भरेंगे जो भी स्टेट है जहां पे आप लोग अभी रह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सा, पिन कोड कौन सा आप लोग डालेंगे। इसके बाद आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद एडिशनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, इस पे आप लोग क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद आप लोग को जो है न्यू पेज यहाँ पे ओपन होगा। इसके बाद आप लोग का डिक्लेरेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा, जो भी जानकारी दी गई है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपने ओटीआर का प्रीव्यू भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं क्या क्या आप लोगों ने डिटेल दी है, ठीक है। इसके लिए आप लोग यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आप लोग डिक्लेयर पे क्लिक कर देंगे। आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो चुका है एसएससी की न्यू वेबसाइट पे और आने वाले समय में एसएससी की वेबसाइट पे कोई भी रिक्रूटमेंट आएगी, आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन आईडी आया है उस रजिस्ट्रेशन आईडी से और जो पासवर्ड आप लोग ने अभी बनाया है उससे आप लोग लॉगिन करते हुए फॉर्म को अप्लाई करेंगे। आने वाले समय में आप लोग को जानकारी मिलती रहेगी। इसके अलावा कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, यदि चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लाते रहे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।